और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने पनपे सपने सारे, वीर चले चले युवा हमारे, वीर चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृतकाल हम सबके लिए कर्तव्यकाल है, ये अमृतकाल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। साथियों, मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है, और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वदिन हिताय सर्वदिन सुखाय एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, उनकी चेतना से उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है, मां भारती जागृत हो चुकी है। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है, पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया, विश्वभर में
भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज भारत से उठा है, विश्व को अपने लिए ज्योति नजर आ रही है, विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य